नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। 10 मई का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। सन 1857 का 10 मई का दिन जब रविवार था और हमारे देश का पहला स्वाधीनता संग्राम इसी दिन शुरू हुआ था। हमारे देश को आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। इस देश की आजादी के लिए अनेक क्रांतिकारियों ने, पत्रकारों ने, लेखकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। लगभग 150 साल की गुलामी का वो दौर जिससे स्वतंत्र होने के लिए हम छटपटाते रहे और इस प्रथम स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व किया मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने मात्र 22 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी सेना में एक सैनिक के रूप में ज्वाइन किया था, लेकिन शीघ्र ही उसका आत्मसम्मान हिलोरे मारने लगा और उसने किसी प्रकार के समझौते से इनकार कर दिया। जब एनफील्ड नामक राइफल्स इन सैनिकों को दी गई, उस समय उस राइफल में जो कारतूस डाले जाते थे उसमें गाय और सुअर की चमड़ी लगाई जाती थी और उस कारतूस को उस राइफल में डालने के लिए अपने मुंह से छीलना पड़ता था। अंग्रेज सरकार का, तत्कालीन प्रशासन का ये जो हरकत थी, ये ना हिंदुओं को पसंद आई न मुसलमानों को। ये उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ था और उस युवा मंगल पांडे का हृदय विद्रोह कर बैठा और उसने परेड मैदान में कलकत्ता के बैरकपुर में एक अंग्रेज अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी और दूसरे लेफ्टिनेंट का तलवार से सिर काट दिया। उसने अपनी रेजिमेंट के सभी सैनिकों का यह आह्वान किया कि वे अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह करें। मुख्य रूप से उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और जब उन्होंने खुली बगावत का आह्वान किया तो उसका परिणाम था मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर कोर्ट मार्शल किया गया और 18 अप्रैल 1857 को उनको फांसी देने का आदेश दिया गया। लेकिन तत्कालीन प्रशासन मंगल पांडे के इस बलिदान से इतना घबरा गया था, आशंकित था कि शायद कहीं यह बगावत और आगे न फैल जाए, उन्हें 8 अप्रैल 1957 को ही फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन यह बगावत का दौर थमा नहीं और ये क्रांति का बिगुल शुरू हुआ मेरठ की उस धरती से, जब 85 सैनिकों ने कंपनी के प्रशासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम अपने मुंह से इस कारतूस को नहीं खोलेंगे। परिणाम स्वाभाविक था, उन 85 सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया। लेकिन 10 मई को रविवार का दिन था, सैनिकों ने जेल पर धावा बोल दिया, उस पर आग लगा दी और उन सैनिकों को हिरासत से छुड़वा लिया। ये क्रांति तेजी से आगे बढ़ने लगी। बहादुर शाह सफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया गया। तात्या टोपे, झांसी की रानी, अजीमुल्ला खां आदि अनेक ऐसे नेता थे जिन्होंने उस नेतृत्व को अपने हाथ में लिया। मेरठ की धरती से उठा ये क्रांति का बिगुल दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ आदि जगह फैलता चला गया। लेकिन तत्कालीन प्रशासन ने इस क्रांति को नियंत्रित कर लिया। लेकिन परिणाम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 1958 के एक अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता की शुरुआत होती है।
लेकिन ये जो क्रांति की ज्वाला भड़क रही थी, अंदर ही अंदर सुलग रही थी, ये लौ कुछ समय के लिए बुझा दी गई। लेकिन इस देश की आत्म शक्ति, आत्म चेतना धीरे धीरे जागृत होती रही। तत्कालीन प्रशासन ने जिस प्रकार से रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जागीरों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया, जिस तरह से देश का आर्थिक शोषण किया, जिस तरह से फूट डालो राज करे की नीति को अपनाई, जिस तरह से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रहार किया, तत्कालीन क्रांतिकारी कहीं ना कहीं विचलित हो गए और उन्होंने खुलेआम बगावत कर दी। दुर्भाग्य से हमारे पास उस समय कोई ऐसा सशक्त नेतृत्व नहीं था जो इस आंदोलन को एक सही और सार्थक दिशा दे पाता। अजीमुल्ला खान ने पयामे आजादी जैसा समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसमें पहली बार बहादुर जा सफर के वक्तव्यों का प्रकाशन किया गया। हमें इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा पाक वतन है, कौम का जन्नत से भी प्यारा जैसे राष्ट्रगीत पयामे आजादी में प्रकाशित होने लगे। आज 10 मई के इस दिन को हम क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए इस क्रांति दिवस पर हम यह संकल्प लें कि इस देश की अस्मिता, इस देश की एकता अखंडता को हम अंतिम दम तक बनाए रखेंगे। आज इस देश की एकता के लिए, इस देश की संप्रभुता के लिए आसपास के देशों से कभी कभी सुगबगाहट सुनाई देती है। आतंकवाद, क्षेत्रीयतावाद, सांप्रदायिकता जैसे खतरे हमारे सामने मंडरा रहे हैं। हमें इन सारी चुनौतियों का डट करके सामना करना होगा और इस देश की जो जीवन मूल्य हैं उन्हें अंगीकार करते हुए इस देश की चेतना को बनाए रखना होगा। राजनीतिक स्वतंत्रता हमने प्राप्त की है, उस स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए हमें इस देश के सांस्कृतिक वैभव के प्रति प्रतिबद्धता रखते हुए निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प लेना होगा। क्रांति दिवस की शुभकामनाओं के साथ, इस देश की एकता अखंडता की रक्षा के संकल्प के साथ, इस देश के क्रांतिकारियों के बलिदान को व्यर्थ न जाने देने के संकल्प के साथ हम आपसे अनुरोध करते हैं, आह्वान करते हैं कि हमारे इस शैक्षिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें, लाइक करें और अपने टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन करें। पुनः 10 मई क्रांति दिवस की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।